हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ मोहित। तो फिर से स्वागत है आपका आज मेरे नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको हमारे खेत का टूर कराऊंगा, जिसमें हमारे नाना जी और हमारी मामी जी खेतों में निनाण कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा में निनाण कहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि खेत में जो घास आता है ना, घास को काट रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। वैसे आप नॉर्मली जानते होंगे कि राजस्थान में बारिश ऐसे ही कम होती है, तो यही कारण है कि हम यहाँ वही फसल बोते हैं जहाँ उनको जो बारिश की कम ज़रूरत होती है, जैसे बाजरा हो गया, मूंग मोट हो गया, ऐसी चीज़ें हम बोते हैं। जो आप सामने देख रहे हो, इसे जचावड़ी कहते हैं। जचावड़ी से आप घास भी कह सकते हो। ये क्या होती है, हमारे बाजरे के साथ उग जाती है, जो कि जो हमारी बाजरी होता है उसको आराम से पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे हमें जो हमारी फसल होती है उसका उत्पादन भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि उनको काटना पड़ता है। अगर नहीं काटते तो हमारी जो फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये सारा बाजरा है। अभी इस साल थोड़ी बारिश कम हुई है, जिसके कारण हमने थोड़े ही जगह में हमने खेत बोया है। अगर बारिश अच्छी होती तो हम पूरा खेत बोते। अब तक कोई बारिश हुई नहीं है, अगर बारिश होगी तो हम पूरा खेत बोएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे खेत का जो नज़ारा है, किस किस प्रकार का सा है। फ्रेंड्स, ये जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ये हमारे नाना जी है। और नाना जी के हाथ में आप एक लकड़ी जैसा कुछ देख रहे होंगे, इसे राजस्थानी भाषा में कसिए कहा जाता है। और इसी कसिए से जो खरपतवार होता है, जो अनावश्यक घास होती है, उसको काट लिया जाता है। तो आप इसे एक घास काटने वाला एक यंत्र भी कह सकते हो। इससे हमारे राजस्थान में जो अनावश्यक घास होती है उसको काटा जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह हमारे नाना जी काम कर रहे हैं खेत में। फ्रेंड्स, यदि आपको भी ऐसे कसिए से घास काटना नहीं आता तो आप भी हमारे नाना जी से सीख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो बाजरा है, इसी बाजरे के जब बड़ा होता है तो उसकी बड़ी बड़ी सीटी लगती है, जैसे मक्के की लगती है, ठीक उसी प्रकार से इसके सीटी सी लगती है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मक्के का दाना थोड़ा मोटा होता है, इसका दाना थोड़ा छोटा होता है, तो ठीक ऐसा ही होता है। और इसे हम खाते हैं, रोटी के रूप बना के इसे खाते हैं। पहले क्या, मुझे भी कसिया चलाना नहीं आता था। मैं क्या करता था, मुझे काटना कुछ और होता था, मैं काट कुछ और देता था। तो मैंने नाना जी से ही सीखा था। तो आप भी सीख सकते हैं कि कैसे कसिए को चलाते हैं। तो देखिए आप।
ये जो मैं जब ब्लॉग बना रहा था, जब शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कि जब सूर्य अस्त हो तो एक छोटी सी वीडियो उसकी भी बना लूँ। तो आप हमारे यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और साथ साथ शेयर भी कर देना।